Would squarely depend upon how we learn this lesson in our lives. वो पूरी रीति से इस बात पर निर्भर है कि हम इस पाठ को अपने जीवन में किस प्रकार से सीखते हैं. Our progress slower or faster? हमारी उन्नति जो है वो धीमी है या तेज गति से चल रही है. It would all depend upon how we learn this lesson. The otherness of Christ. इसी पर निर्भर है कि किस प्रकार से हम इस पाठ को सीखते हैं कि मसीह की विभिन्नता हमसे क्या है. As I shared right at the first session, और जैसे पहली सभा के अंदर मैंने बतलाया, it's not a matter of how many years we have been associated with this company of saints. और विषय ये नहीं है कि कितने वर्षों से हम इस झुंड के साथ जुड़े हुए हैं. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ टाइम. समय की भी बात नहीं है. इट्स अ मैटर ऑफ हाउ मच वी हैव लर्न्ड दिस लेसन
in our lives. मुख्य विषय यह है कि हमने इस पाठ को अपने जीवन में कहां तक सीखा है. And I can tell you, saints, it doesn't have to be 40 years. और मैं ये कह सकता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे लिए 40 वर्षों का होना आवश्यक नहीं है. It doesn't have to be 40 years. हमारे लिए 40 वर्षों की अवधि की आवश्यकता नहीं. I want to say, और मैं ये कहना चाहता हूं, God has not fixed the time. परमेश्वर ने समय को नियुक्त नहीं किया है. God has not fixed the time for you. आपके लिए परमेश्वर ने समय की नियुक्ति नहीं की और मेरे लिए भी. Not 40 years. 40 वर्ष भी नहीं. And it need not to be. और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. And he never did. और ना उसने कभी ऐसा किया. He never did fix the time. उसने कभी समय को नियुक्त नहीं किया. Yes. And may we be sensitive to the spirit of God and to this word. और हम परमेश्वर की आत्मा से संवेदनशील हो जाए और उसके वचन से भी. Listen, saints of God, I'm going to close soon. सावधानी से सुने परमेश्वर के प्रिय लोगों, जल्द ही मैं समाप्त करूंगा. The secret of our spiritual progress. हमारे आत्मिक उन्नति का रहस्य. What is the secret of it? उसका रहस्य क्या है? In other words, दूसरे शब्दों में, it is the letting go of our own will. हमारी अपनी इच्छा का तिरस्कार कर देना. It is the letting go of our own mind. हमारे अपने खुद के मस्तिष्क का तिरस्कार कर देना. To that which is his will and his mind. उसके लिए जो उसकी इच्छा और उसकी मनसा है. And may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. God has not timed this wilderness for any one of us. परमेश्वर ने हम में से किसी एक के लिए इस जंगल बयाबान की अवस्था को समय में नहीं बांधा. This wilderness is a must for everyone. परंतु हम में से प्रत्येक जन के लिए ये जंगल बयाबान की अवस्था आवश्यक है. Timed it for us. परंतु उसने इसके अंदर समय की अवधि को नहीं रखा. What is God doing in us in these days? परमेश्वर हमारे भीतर इन दिनों में क्या कर रहा है? Our will can never fulfill what He has purposed in our lives. हमारी इच्छा जो है उसको कभी पूरा नहीं कर सकती जो परमेश्वर ने. Our reason can never accomplish what God has called us into. और हमारी बुद्धिमत्ता जो है कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकती जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है कि हम उसमें प्रवेश. Our impulses and desires can never take us or get us there. और हमारी इच्छाएं जो है वो कभी भी हमारे प्रयास वहां तक हमें पहुंचा नहीं सकते. Never, never, never. कभी नहीं और कभी नहीं. Let us not harden our hearts, therefore. इसलिए अपने हृदयों को हम कठोर ना करें. We have to come to a brokenness. हमने एक टूटेपन में आना है. We have to come to a yieldedness. और अपने आप को झुका देना है. Where our natural strength is laid low in the dust. जहां पर कि हमारी प्राकृतिक सामर्थ्य को मिट्टी में मिला दिया जाए. Yes. You know, there is a precious scripture in the book of Job, and I would turn you to that scripture. अय्यूब की पुस्तक में एक बहुत ही बहुमूल्य वचन है, हम उसकी ओर देखेंगे. The book of Job, chapter 22. अय्यूब की पुस्तक 22वां अध्याय. Verse 24, chapter 22 and verse 24 of Job. Then shalt thou lay up gold as dust. और तब सोने की कुंडियों को पत्थरों में डाल देगा, मिट्टी में डाल देगा.
And the gold of Ophir as the stones of the brooks. और ओफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल देगा. Then shall thou lay up gold as dust. और तब तू सोने को मिट्टी में डाल देगा. How many of us prepare to do that in our lives? हम में से कितने अपने जीवन में इसको करने को तैयार हैं? We know that. प्रश्न है. Most of us have removed natural gold from our lives. हम जानते हैं कि हम में से अधिकतर लोगों ने वो प्राकृतिक सुनहरे आभूषण अपने जीवन से अलग कर दिए हैं. But we have so much of other gold in our lives. परंतु हमारे जीवनों के अंदर दूसरा सोना बहुत कुछ है. Things which are of great value to us in our own eyes. वो वस्तुएं जो कि हमारे खुद की दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान है. आई एम नॉट गोइंग टू इन्यूमरेट देम वन बाय वन, बट आई वुड से दाउ शैल ले अप गोल्ड एज डस्ट एंड दैट्स वेयर गॉड इज कॉलिंग हिज रेमनेंट इन दीज डेज. एक एक करके मैं उन बातों का वर्णन नहीं करूंगा, परंतु वचन हमें कहता है कि अपनी उन बहुमूल्य वस्तुओं को, उस सोने को हम मिट्टी में मिला दें. And the gold of Ophir as stones of brooks, you know, the stones of brooks are of no value. और उस ओफिर के सोने को नदी के पत्थरों के अंदर फेंक दिया जाए, yes. जिनका कोई मूल्य नहीं. That precious stone which is so precious in your eyes to be laid down as just mere stone of the brooks. और वो बहुमूल्य पत्थर जिसका बड़ी कदर और मान आपके जीवन में है, Saints, उसको साधारण पत्थरों में फेंक दिया जाए. What are we proud of in our lives? हम अपने जीवन में किस चीज का अभिमान करते हैं? Your education, हमारी शिक्षा का. Your ability, हमारी योग्यताओं का. What are we proud of? किस बात का अभिमान हमें है? What are those proud looks in our lives? और वो कौन सी अभिमानी नजरिए हैं हमारे जीवन के अंदर? What is it going to gain us? और उससे हमें क्या लाभ होगा? But great losses in our spiritual world. परंतु हमारे आत्मिक चलन के अंदर बहुत बड़ी हानियां होंगी. Those exaggerations in our talks. हमारी बातों में जो हम अपने आप को ऊंचा करके बतलाते हैं. What is it going to avail in our lives? और ये सब वस्तुएं हमारे जीवन में हमें क्या देंगी? But make this walk in the wilderness longer for us. बजाय इसके वो हमारे जंगल बयाबान के चलन को और भी अधिक लंबा कर देंगी. He that hath an ear, let him hear what the Spirit is saying. वो जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा क्या कह रहा है. How many of us are willing to lay up gold as dust today? हम में से कितने हैं जो कि अपने सोने को आज मिट्टी में मिला देना चाहते हैं? All our treasures were the stones of the brook. हमारे सारे खजाने नदी के पत्थरों में फेंक दिए जाएं. कितने ऐसे इच्छुक हैं? And then you see what it says in verse 25. और 25वें वचन में क्या कहता है? Yea, the Almighty shall be thy defense. और वो सामर्थी परमेश्वर ही तेरा खजाना होगा. And thou shall have plenty of silver. और तेरे पास बहुत सा चांदी होगा. For then shall thou have thy delight in the Almighty and shall lift up thy face unto God. क्योंकि तभी तेरा आनंद जो है वो सामर्थी परमेश्वर में होगा और तू अपना मुंह उसकी ओर उठाएगा. Yes. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों. Then you will begin to see that Lord alone is your wisdom and my wisdom. और तभी आप देखने लगेंगे कि केवल प्रभु ही आपकी बुद्धि और मेरी बुद्धि है. Many times we said, Lord, you are my wisdom. बहुत सी बार हमने कहा कि हे प्रभु तू ही हमारी बुद्धि है. We said, Lord, you are my strength. और कहा कि तू ही हमारी सामर्थ्य है. You are my vision. और तू ही हमारा दर्शन. You are my desire. और तू ही मेरी इच्छा है. But it was all objective.
परंतु ये सब बाहरी दिखावा ही था. But now, परंतु अब, when you lay your gold as dust, जब हम अपने सोने को मिट्टी के रूप में मिला देते हैं, treasures as stones of the brooks, और अपने खजाने को नदी के पत्थरों में फेंक देते हैं, then something will happen within us. तो तब हमारे भीतर कुछ होगा. And it shall not be objective. और तब वो हमारा उद्देश्य ही बनकर नहीं रहेगा. Wrought in us. परंतु वो हमारे भीतर लाया जाएगा और बनाया जाएगा. In us. हमारे भीतर इसको बनाया जाएगा. We said that song. We sang that song. Be thou my vision. और हम उस भजन को गाते हैं कि तू ही मेरा वो दर्शन बन जा. And I want to tell you. और मैं कहना चाहता हूँ. It shall be so. ऐसा ही होगा. May we open ourselves for that work in us in these days. हम अपने आप को खोल दें कि परमेश्वर का वो कार्य इन दिनों में हमारे भीतर हो. Until you and I have learned this lesson, जब तक आप और मैं इस पाठ को सीख ना लें, and come into that utter brokenness, और वो पूर्ण रीति से टूट ना जाए, come to that yieldedness, और उस झुकाव में अपने आप को ना ले आए, and let go our wills and our ways, और अपनी इच्छाएं और अपने मार्गों को त्याग दे. I can tell you, तो मैं कहना चाहता हूं, our spiritual progress is delayed. हमारा आत्मिक उन्नति जो है उसमें विलंब आएगा. We can have many camp meetings. बहुत सी कैंप की सभाएं हम कर सकते हैं. We can have the best of men to feed us with spiritual food. अति उत्तम प्रकार के मनुष्य को भी हम ला सकते हैं कि वो हमें आत्मिक भोजन दे. But our spiritual progress is delayed. परंतु हमारा आत्मिक उन्नति जो है उसमें विलंब आएगा. You look at those long 40 years. Of the children of Israel in the wilderness. वो 40 लंबे वर्षों को देखे इसराइली बच्चों के साथ उस जंगल के अंदर. आप क्या देखते हैं? This one principle. ये एक नियम वहाँ. Being worked out again and again, from the rising of the sun until the going down of the sun. बार-बार इसी को दोहराया गया, सूर्य के उदय होने से लेकर सूर्य के अस्त होने तक. The Lord was working to keep them. Close to Himself. परमेश्वर कार्यशील था कि वो अपने निकट उनको बनाए रखे. To make Christ the basis of everything in their lives. कि उनके जीवनों में मसीह को एक आधार बनाकर रख दे प्रत्येक वस्तु में. But. परंतु. This is what He was trying to do in their lives. वो यही कार्य उनके जीवन में करना चाहता था. But. परंतु. They wanted it in themselves. वो उसको अपने अंदर ही रखना. They wanted their life in themselves. वो अपने जीवन को अपने अंदर ही रखना चाहते. They never wanted their life in himself. और वो कभी अपने जीवन को उसमें नहीं देखते. Is that not the issue in our lives? क्या यही विषय हमारे जीवनों में? Is that not the issue in most of our lives? क्या हम में से? In all of our lives. हम सबों के अंदर यही बात नहीं है? We want this life in ourselves. ये जीवन हम अपने अंदर ही देखना चाहते. But the Lord wants it in himself. परंतु प्रभु चाहता है कि हम उसको उसमें देखें. Yes. They wanted it in themselves. वो चाहते थे कि वो इसे अपने अंदर. But he wanted to make Christ the basis of their life. परंतु वो चाहता था कि मसीह उनके जीवन का आधार बन जाए. He wanted to keep them close to Christ in their lives. और वो चाहता था कि वो मसीह के निकट अपने जीवन में रहें. But they said. परंतु उन्होंने कहा, we want it in ourselves. हम इसको अपने लिए चाहते हैं. We want it in ourselves. हम चाहते हैं कि ये हमारे अंदर रहे. They wanted it in themselves. वो उनके अंदर इसको रखना चाहते. They wanted it for themselves. वो उसको अपने लिए. They wanted it in themselves and they wanted it for themselves. वो उसको अपने अंदर रखना चाहते थे और अपने लिए रखना चाहते थे. And therefore. और इसलिए. That generation never progressed on. वो पीढ़ी कभी भी उन्नति नहीं कर सकी. And I will stop there. यहीं पर मैं रुक जाऊंगा. Saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों.
God loves each one of us. परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन से प्रेम करता है. Yes. God is at work today. परमेश्वर एक कार्य कर रहा है आज भी. A desire is not enough. परंतु उसके लिए केवल इच्छा काफी नहीं. A giving in is what is to happen within us. हमारे अंदर एक समर्पण की आवश्यकता है. How many of us are willing to lay our gold as dust? हम में से कितने हैं जो कि अपने सोने को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं? Our treasures as stones of the brook. और अपने खजाने को नदी के पत्थरों की नाई समझने लगते हैं. I want to tell you. और मैं कहना चाहता हूँ. God is preparing a people. परमेश्वर एक लोगों को तैयार कर रहा है. It's not a matter of doctrine. ये शिक्षा की बात नहीं. Never has been the matter of doctrine. और कभी भी ये शिक्षा की बात रही नहीं. It has been always a matter of a working and a constitution. ये सदा ही एक कार्य की बात रही ताकि एक बनाने का कार्य पूरा हो सके. And may God help all of us. परमेश्वर हम सबों की सहायता करे. You know, I am not here to just instruct us. और यहाँ पर केवल मैं निर्देश देने के लिए नहीं हूँ. I know that God is doing something. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर कुछ कर रहा है. I fear religion in my life. और मैं धर्म से अपने जीवन में डरता हूँ. I fear that. मुझे उस बात का बड़ा डर है. Every Sunday I come to the house of God. I fear religion in my life. और हर रविवार को जब परमेश्वर के भवन में आता हूँ तो मैं धर्म से डरता हूँ. Each day I fear religion in my life. प्रतिदिन धर्म से मैं डरता हूँ अपने जीवन में. May God help us. परमेश्वर सहायता करे. May God help us. परमेश्वर सहायता करे. I do not want to forfeit what God has called me in my own life. परमेश्वर ने जिसके लिए मेरे को मेरे जीवन में बुलाया है, my heart's cry and desire, उसे पराजित नहीं करना चाहता. Lord help me to be part of that company. और मेरे हृदय की पुकार यही है कि हे प्रभु तू मुझे उन लोगों के झुंड में that रख दे. remnant of God. परमेश्वर के वो बचे हुए लोग. That man that God is raising up. और वो मनुष्य जिसको परमेश्वर who will counter every lie of Satan. और जो के शैतान के हर एक असत्य का सामना करेगा. The master liar. और जो के झूठों का. And all his iniquities. और उसकी सारी जो बदियां हैं. All that he has raised up. और वो सारी चीजें जो उसने खड़ी की. God is going to counter it. परमेश्वर उनका सामना करेगा. As he did it in and through the life of Job. जैसे उसने अय्यूब में और उसके जीवन के द्वारा किया. The suffering, कष्ट, shattered, बिखर जाना, broken, टूट जाना, people. ऐसे लोग जो टूटे हों, बिखरे हों. But they are going to be God's answer. वो ही परमेश्वर का उत्तर होंगे. Every lie and iniquity in the world. और हर बदी और हर झूठ और असत्य जो संसार में है. Is there a desire in your heart to be part of such a company? क्या आपके हृदय में ऐसी इच्छा है कि ऐसे झुंड में आपका भी भाग हो? That's where I want to progress in my life. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में वही उन्नति करना चाहता हूँ. And may God help all of us. परमेश्वर हम सबों की सहायता करे. Don't waste your years. अपने वर्षों को व्यर्थ न गवाएं. Don't waste the times of God. परमेश्वर का समय व्यर्थ न गवाएं. How many of us are open and willing to lay gold? हम में से कितने हैं जो कि खुले हैं और इच्छुक हैं? To lay our goals in the dust. कि अपने सोने को मिट्टी में फेंक दें. And count our treasures as brooks of stones. और अपने खजाने को नदी के then the Almighty. और तब वो सामर्थी परमेश्वर will cause us to experience his power and his presence in our lives. तब वो परमेश्वर जो है वो अपनी सामर्थ और उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में लाएगा. Much silver. और वो हमें अधिक चांदी देगा. May God help us. परमेश्वर हमें सहायता करे. Thank you, Jesus. Father and faith in the Son, faith.
and sinners away. Faith in Christ Jesus can anything break. Faith in the Father and faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, victories are won. Can anything break?